बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। तो गाइस, अभी ना मैं स्टोमिक की डिवीजन करने लगा हूँ। कुछ जो है ना लेक्चर्स वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, एब्डोमिन पेल्विस से बहुत से मैंने ना कवर कर लिए हैं। बाकी अगर कोई रह गया तो आप मुझे बता देंगे। जल्दी से शुरू करते बिना किसी समय को गवाए। स्टोमिक डिवीजन जो होती है ना, वो हम कैसे करती हैं? एक एंगुलर लाइन होती है, एक लाइन होती है जो हम एंगुलर नॉच से लेते हैं, कहाँ तक? ग्रेटर ट्रोकेंटर तक। अब एंगुलर नाच कहाँ पे आपको नज़र आएगी? वो आएगी लेसर जो है ना, वो कर्वेचर ऑफ स्टोमिक, वहाँ पे नज़र आएगा। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये स्टोमिक है, ठीक है, ये लेसर कर्वेचर हो गया, ये पीछे वाला सारे का सारा लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर कर्वेचर हो गया। अब जो एंगुलर नाच है ना, ये मैंने रेड से जो ये शो की हुई है ना, ये इसे हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये लाइन है कहाँ से शुरू हो रही है? ये एंगुलर नाच, ये एंगल आपको शार्प सा नज़र आ रहा है ना, यहाँ से ग्रेटर, ये वाला सारे का सारा ग्रेटर हो गया ना कर्वेचर, तो ग्रेटर कर्वेचर तक एंगुलर नॉच से ग्रेवेटर ग्रेटर कर्वेचर तक लाइन स्टोमिक को डिवाइड करती है, ठीक है। अब जो है ना, अब जो मेन डिवीजन थी वो एंगुलर लाइन ने कर दी। लेट मी फोकस इट, ओके। एक ऊपर वाला ये सारे का सारा हो गया और एक ये नीचे वाली डिवीजन होगी। तो हम कह सकते हैं एक होगा कार्डिक पार्ट, सॉरी इससे आ जाए, ठीक है। एक हो गया जनाब कार्डिक पार्ट, जो दिल की तरफ होगा, यानी ये ऊपर वाला सारे का सारा कार्डिक पार्ट, नीचे वाला जो है ना पाइलोरिक पार्ट, यानी जो पाइलोरिस यहाँ पे स्फिंक्टर होता है ना, इसी वजह से उसने इसको पाइलोरिक पार्ट कह दिया। अब जो कार्डिक पार्ट है, यानी ये अगर मैं इसे छुपा लूँ तो ये ऊपर वाला सारे का सारा कार्डिक पार्ट हो गया। इसके अंदर क्या आएगा? फंडस आएगा और बॉडी आएगा, फंडस और बॉडी। फंडस जो है ना, वो टॉप मोस्ट जो है ना, ये वाला, ये जो मैंने ब्लू लाइन से ये इतना से शेडिड एरिया में ये कर रहा हूँ ना, ये वाला सारे के सारा फंडस कहलाएगा। और जो बाकी बचा है कार्डिक पार्ट ऑफ स्टोमिक का हिस्सा, ये सारे के सारे को हम कहेंगे बॉडी ऑफ दी स्टोमिक हो गया, ठीक है। अब ये वाली, यानी ये वाला सारे का सारा कौन सा हो गया? कार्डिक पार्ट। अगर इसको मैं लिखूँ कार्डिक पार्ट हो गया। अब पाइलोरिक पार्ट, यानी अब इसको मैं छुपा रहा हूँ और ये वाला सिर्फ इतना एरिया हमसे हमारे साथ रिलेटेड है। पाइलोरिक पार्ट में क्या था? पाइलोरिक एंट्रम और फिर पाइलोरिक केनाल। पाइलोरिक एंट्रम ये वाले सारे का सारा, ठीक है, और उसके बाद जनाब है पाइलोरिक किनाल। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा पाइलोरिक एंट्रम और किनाल कहाँ पे एंड हो रही, कहाँ पे डिवी है? उसके लिए जो है ना, वो सल्कस इंटरमीडिएट जो है ना, ये जो मैंने ग्रीन रंग से लगाया हुआ है एक निशान, ये इसको डिवाइड करता है कि ये वाला पाइलोरिक एंट्रम है, ये वाला पाइलोरिक किनाल है। ये लिखा ऑन बेसिस ऑफ सल्कस इंटरमीडिएट, ओके हो गया। बस ये इतना सा था। अब ये पाइलोरिक, और इसको मैं कह सकता हूँ क्या, किनाल और एंट्रम को पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमिक हो गया। अब ये जो एंगुलर लाइन थी ना, इस लाइन का दूसरा क्या नाम है? इंसुजरा एंगुलरस। किसी बुक्स में इंसुजरा एंगुलरस लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि जनाब ये सिंपल एक लाइन होती है जो एंगुलर नॉच से ग्रेटर कर्वेचर तक जाती है। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं बताता हूँ आपको।